अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हादिया व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबका? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। और हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लिप दिखाऊंगी। आपके पास है क्या? मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और इस बॉक्स से शुरू करती हूँ मैं, और इसके अंदर मेरे क्लिप्स पड़े हुए हैं। एक ये है फ्लावर में, इस तरह से है। और आज मैंने सोचा कि हेलो फ्रेंड से हंसी में बात निकल गई। मैं आपको हेयर एक्सेसरीज दिखाती हूँ। ये क्लिप्स हैं मेरे सारे, ये पर्ल्स में है और ये मेटल में है। ये बहुत खूबसूरत है, ज़रा हैवी है लेकिन अच्छे खूबसूरत लगते हैं। और एक ये है चकमा करते हुए। अच्छा, मैं अब छोटी सी थी ना, तो मुझे ना वो सितारे और इस तरह के वो इतने जगमग वाली चीज़ें पसंद थी। और मैं जब भी अम्मी ने कहीं ईद पे या वैसे कपड़े लेने ना, और ये बालों पे लगता है क्लिप। आप जूड़े पे भी लगा सकते हैं, फ्रेंच नोट पे फाइव प्लेट्स बनाएं, उसके ऊपर आप जिस तरह मर्जी इसको लगा लें, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये मैंने जीना सुपर से लिया हुआ है, सॉरी जीना सुपर से नहीं, ब्लू एरिया से लिया था ये मैंने। और एक ये भी है पिन। मैं आपको कपड़ों का बता रही थी, बचपन मुझे इतना अच्छा लगता था जगमग वाले कपड़े पहनना, और अब बड़े हो के उतने ही सादे कपड़े अच्छे लगते हैं। अम्मी कहती थी तुम्हें पता नहीं क्या ये पेंडू वाले फैशन पसंद है। लेकिन अब नहीं पसंद। पहले तो जो भी ग्लिटरी चीज़ होती थी, वाह। और इसकी जगमग से ही मुझे वो ग्लिटरी वाला याद आया। ये स्टार बना हुआ है, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। और ये ना बो बनी हुई है इसकी, इस तरह से बैक साइड पे। तो ये आप साइड पे अगर आयरन करके या वेवी हेयर बना के इसको साइड पे लगा दें या जूड़े पे लगा दें, ये भी बहुत खूबसूरत लगता है। एक ये है, और इसी में ही एक पीकॉक बना हुआ है। इसको मैंने पैकेट में ही रखे हुए, क्योंकि स्टोन्स है ना तो वो ख़राब हो जाता है। ये इस तरह से है, ये पीकॉक की तरह का ऐसे ये बना हुआ है, ये पीछे भी। और ये इस तरह से है, ये अब मूव भी हो जाता है, ये हिलता भी है। इसके भी ऐसे ही बैक पे बो बनी हुई है इसकी, एक ये इस तरह से है। और इसके और अब इस बॉक्स की तरफ आती हूँ, और इसके अंदर मेरे बहुत प्यारे प्यारे क्लिप्स हैं, और थोड़ी सी है, इतने ज़्यादा नहीं है। और ये मैंने इस्लामाबाद से ही ली हुई है। ज़्यादातर इस्लामाबाद की एक मार्केट है कोसार मार्केट, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, और वहाँ से मैंने ली हुई है चीज़ें। क्योंकि जो इस्लामाबाद रहते हैं और रावलपिंडी में भी जो रहते हैं, उनको तो पता है इस मार्केट का कि यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। एक ये क्लिप्स है, ये नज़र आ रहा है, और एक ये क्लिप्स है। और इसका एक्चुअली मैंने पूरा पैकेट ले लिया था, और क्योंकि पैकेट इसलिए, क्योंकि मैं पूरे पर पैकेट इसलिए लेती हूँ क्योंकि आपके कपड़ों के साथ जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, और मुझे वैसे बड़ा अच्छा लगता है लेना। और ये फ्लावर्स हैं सारे, और ये बने हुए हैं वो रबर की तरह की है, और पीछे इस तरह से पिन लगी हुई है इसकी। ये भी कुछ सार मार्केट से नीमे फ्लावर्स हैं। और ये कुछ मैंने ली हुई हैं, आई थिंक सो ये मैंने बैरिया से ली हुई है, ये वाले और ये वाले, क्योंकि पुरानी चीज़ें भी मेरे पास काफ़ी हैं, इसलिए मुझे जगह जो मेन है नीमी याद है, ये अभी मैंने ली थी। और ये मैंने ली है, ये भी कोसार मार्केट से ली हुई है, ये मैंने अभी ली थी क्योंकि ईद पे ली थी मैंने। और ये मैंने लगाई नहीं थी ईद पर, लेकिन मुझे अच्छी लगी, मैंने ले ली। ब्राउन स्किन में है और ये ब्लू की फैमिली में है, क्योंकि ये अक्सर आपको जरूरत पड़ जाती है इन की। और ये भी मैंने अभी ही ईद पे लिए थे, ये भी ग्लिटर में है, छोटे छोटे कैचर से बने हुए हैं, जैसे हेयर के आपके पार्टीशन करने के लिए अच्छे लगते हैं ये आप, क्योंकि आज के ट्विस्ट करके बाल बनाने का है रिवाज, तो वो उसके लिए अच्छा रहता है। ये भी एक था। और एक्चुअली ये जो बो वाला है, ये अम्मी का क्लिप था और ये टूट गया था, ये ब्राउन रंग का, इसके नेट के ऊपर बहुत प्यारा बना हुआ था। और ये माँ जी ने कहाँ से लिया है इसका, तो मुझे इतना नहीं पता, तो लेकिन ये है बड़ा खूबसूरत। तो मेरे पास एक पिन थी, मैंने उसको पिन को पीछे इस तरह से अटैच कर दिया, तो जब आप हाफ पाल आगे से उठा के तो पीछे से आयरन करके खुले छोड़ दें या कर्ल्स करके छोड़ दें, तो बीच में अगर आप ये लगा लें तो ये बहुत खूबसूरत लगता है।
एक ये है मेरे पास बो वाली, ये भी बहुत डिसेंट लगते हैं। ये तो टिपिकली है, ये तो मेरे ख्याल से हर एक के बैग में तो लाजमी ही ये होता है। और ये बनाना क्लिप्स है मेरे पास छोटे, ये बो क्लिप है मेरे पास, और ये सब मेरे यूज में है। लास्ट वीडियो मैंने जूस कह दिया था। और ये भी है, ये भी मल्टी में है, और ये मार्बल फैक्ट में आ रहा है, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये भी। और ये बो में है, ये फ्लावर बने हुए हैं। और ये मैंने लिए थे, ये एक्चुअली एक बच्चा था उसने उठाई हुई थी क्लिप्स, तो उससे मैंने ये लिया था। लेकिन ये बना हुआ है, ये जैसा नहीं होता, ये मैंने लिया था एफ्टन मरकज से, और वहाँ पे अक्सर बच्चों ने उठाए होते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत मुझे लगा था। इस पे ये बना हुआ है एक्चुअली, ये कपड़ा जैसा बुकरम नहीं होती उस तरह का ये कपड़ा है, और उसके ऊपर इन्होंने स्टोन चिपकाए हुए और ये बो बनी हुई, बहुत खूबसूरत है। ये मैंने लिया था, और ये भी कपड़े के बने हुए, ये भी मैंने उसी बच्चे से लिए थे। एक ये है ऑरेंज में, ये मॉफ में रेड इसके ऊपर स्टोन लगा हुआ है, और जैसा ऑरेंज का था इसी में पिंक, और ये पर्पल और वाइट में है। और इसके अलावा मैंने एक और भी लिया था उसी बच्चे से ही, ये हाथ से गुजर के और पता नहीं चला, ये वाले ये पल में है, और ये भी चुटकी की तरह ही है, ये इस तरह से जिसा से ये इस तरह से है। ये एक ये लिया था पिंक में, पर्पल में और ब्लू में, ये मैंने लिया था। एक तरह से उनकी मदद भी हो जाती है और आप चीज भी ले लेते हैं। और एक ये है मार्बल का, एक ये है पर्ल में, और एक ये है मेरे पास हेयर पार्टीशन के लिए भी यूज होते हैं। और वैसे लेकिन मैं हेयर पार्टीशन के लिए इनको यूज नहीं करती, मैं इनको जब मैं बालों को बहुत हैवी पर्म देती हूँ तो उसमें फिर मैं इनको ऊपर बाइंड कर लेती हूँ, बहुत खूबसूरत सा जुड़ा सा बन जाता है, उस पर स्टाइलिश भी लगता है। एक ये इसी तरह के, एक्चुअली चुटकी वाली मैं ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि एक तो इनकी ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है और ये आपके बालों में खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। और एक ये है क्लिप है, और ये अच्छा ये कैटरपिलर, देखो इसको जूम मैं करती हूँ। अच्छा इसका मुझे आप बताना कि जब आप स्कूल में थे तो कौन कौन इसको अलामिया की गाय कहता था, क्योंकि हम लोग इसको अलामिया की गाय कहते थे, कि अलामिया की गाय और लीव्स में से उठाकर हाथों पे रखना, तो अलामिया की गाय इसको कुछ नहीं कहना, और प्यार से इसको नीचे रख देते थे। इसमें कितनी ज्यादा बनी हुई है। और ये तो आम सी क्लिप्स है मेरे, खराब हो गए हैं जो भी बीच में। ये है पोनी, कितनी अच्छी है ना, ये तो मैंने एफ्टन से ही ली हुई है ये। और एक ये है मैटर की, ये मैंने ली हुई है कुसाम मार्केट से, एक्चुअली ये रफल है, ये ऊपर मैटर का बना हुआ है और ये अच्छा हैवी है ये, और इसकी पीछे से ये पोनी सी है। इसको मैं जब 5 प्लेट बनाती हूँ ना तो फिर मैं नीचे लगाती हूँ, ये इतना खूबसूरत लगता है, और कोई मेरी 5 प्लेट देखता नहीं, मेरी ये बॉय देखता रहता है। सब पूछते हैं ये कहाँ से ली, भला मेरी 5 प्लेट तो देखो। उसकी कोई तारीफ ही नहीं करता। इसी में मैंने एक ये भी लिया था कॉपर रंग का, ये पैकेट में इसलिए है क्योंकि इस्लामाबाद की हूँ ना, तो चीजें खरीद तो लेती हूँ फिर रखती भी इस्तेमाल की हूँ। पता चले ना मेड इन इस्लामाबाद। और ये मेटल की है। और ये भी इसी तरह का ही बना हुआ है, ये भी इसी तरह के पार्टीशन में है। तो ये तो जैसा मैंने बताया था बैग में मैंने रखी हुई थी स्टिक, उसी तरह की ये भी है, ये जोड़ा बना के तो आप बीच में इनको फंसा सकते हैं। और एक ये क्लिप है, और ये पिन है, और ये बनाना क्लिप है छोटा, ये भी बनाना क्लिप है, और ये फिश बनाना क्लिप है। इससे बाल बहुत अच्छे खूबसूरत बनते हैं, और अगर आपके स्टेप्स कटिंग हुई हो तो अगर आप ये लगाएं तो आपको तो इतने प्यारे और फ्लफी बाल लगते हैं, बहुत खूबसूरत अच्छे लगते हैं। और एक ये मेटल का है यार, ये भी उन्हीं के साथ लिया था, पीकॉक वाला, ये बेचारा पीछे रह गया था। ये पीकॉक बना हुआ है, और ये इसका मुंह छोटा सा नोक सी भी बनाई हुई है, अच्छा लग रहा है ना, तभी तो मैंने खरीदा था।
और ये सारी चीज़ें हैं, और ये भी मैटर की हैं। ये मैंने गखर प्लाजा से लिया था, सदर से, ये और ये वाले, और एक और भी हैं, ये वाला, वो वाले, ये मैंने गखर प्लाजा से लिया था। क्योंकि जब मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मैं एक चीज़ नहीं लेती, उसकी कई वजह है। एक तो आपका जाना कम कम होता है, और ये भी मैंने गखर से ही लिया था। और दूसरा, जब आप इतनी दूर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अब रास्ते भी कितने दूर दूर हो गए हैं, तो जाओ तो यार एक चीज़ लो तो ज्यादती है ना, खुद के साथ ज्यादती है। और ये भी बनाना क्लिप है, ये भी क्लिप्स है, और ये जो है इसका पैकेट खुद ही है। और ये जो आपको खूबसूरत सा नजर आ रहा है, ये इस तरह से इसके पर्स लटक रहे हैं क्रिस्टल के, और ये बहुत खूबसूरत है। और ये ना क्रोशिया की तरह की लेस सी है, उसके ऊपर ये पर्स लगे हुए, और फुल वायर का ये काम हुआ है, पीछे से तो उन्होंने सारा छुपाया हुआ। और ये मैंने गीगा मॉल से लिया था, और जब गीगा मॉल का इफ्तिताह हुआ था ना, तो तब मैं गए थे हम पूरी फैमिली। ऐसी अक्सर लोग कहते हैं कि यार आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, या आप इसमें निकलते हो, यार मैं अकेली नहीं निकलती, मैं जब जाती हूँ तो पूरी फैमिली के साथ जाती हूँ, अकेली जाऊँ ना तो फिर अब्बू घर ही ना आने देंगे, जाओ दफा हो जाओ। और ये जो चटकियाँ हैं, छोटी छोटी, मुझे छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत पसंद है। और ये टाइनी, ये और ये भी मैंने गीगा मॉल से ली है टाइनी। और ये जो है ना बीच में, ये मैंने स्ट्रॉ रखा हुआ है, और मैं तय ना चाकू मासी वाले छोटे छोटे काम कर लेती हूँ ताकि चीज़ें खराब ना हो। ये मैंने इसमें चीज़ें रखी हुई हैं, और इस तरह से इसके अंदर चीज़ें। अब मैं दूसरे बॉक्स की तरफ जाती हूँ। ये जो पैकेट है, और ये मैंने अभी यूज में नहीं लिया, क्योंकि ये भी मैंने उसी बच्चे से ले लिया था, क्योंकि ये है हेयर पिन की तरह ये, और ये मुझे माजी ने बताया था, ये जूड़े पे या जैसे चुटिया करते हैं तो उसके अंदर आप इसको जैसा हम प्रो लेते हैं इस तरह ये लगती हैं। लेकिन मैंने अभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि कोई ऐसा फंक्शन भी नहीं आया कि मैं यूज़ करती, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा था, तो मैंने पूरा पैकेट ही उस बच्चे से ले लिया था। और वो बच्चा था भी इतना प्यारा मासूम छोटा सा, उसको स्कूल जाना चाहिए था, लेकिन वो ये चीज़ें बेच रहा था। खैर, अब मैं दूसरे बॉक्स में आती हूँ। और ये वाली जूड़े की पिनें हैं, और ये बहुत खूबसूरत है, इस तरह से पीछे पिन बनी हुई है और ऊपर से फ्लावर है, ये भी इतने खूबसूरत लगते हैं बालों में। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे, एक ये वाले हैं, और एक ये भी मैंने गीगा मॉल से लिया था, उसी के साथ ही लिया था। और ये इस तरह से फ्लावर है, और फ्लावर के साथ ना ये, इसको तो मैंने यूज़ किया था, और ये इतने अच्छे लगते हैं बालों में लगे हुए, कि इसका भी वही हिसाब है, आपका हेयर स्टाइल कैसा है कोई ये नहीं देखेगा, ये लगे हुए देखेंगे सारे कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मैंने भी गीगा मॉल से लिया था। और इसके अलावा, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हदिया व्लॉग्स। ये जोन सी खूबसूरत सी बटरफ्लाईज है, ये दोनों, और ये पता क्या, ये मैं हूँ और ये आप लोग, ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, जितनी भी हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पे भी मेरी फ्रेंड्स हैं ना, सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, और ये मैं हूँ। और और ये मैंने ली है, ये मैंने सेंटोरस से ली है, और सेंटोरस में भी काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ पे अच्छी काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये मैंने वहाँ से ली है। और ये भी मैंने फ्लावर वाला, ये भी ऐसे ही है, ये भी इसी तरह के ही है, चुटकी वाला। और ये भी मैंने लिए, ये सिल्क के ऊपर नेट के बने हुए हैं फ्लावर, रोज के ना, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। एक ये है, और ये एक पीच में है, और पीच तो मेरा वैसे ही फेवरेट कलर है, और इसमें ये पीच में है, और ये भी वैसे ही है सेम, और ये पिंक कलर का रोज, बेबी पिंक है, बेबी पिंक में टिशू के ये बीच में बने हुए हैं, ये भी वहीं से लिया है मैंने। मैं साथ साथ चीज़ें साइड पर करती जा रही हूँ, ताकि मुझे दिखाने में भी इजी रहे। और दूसरी चीज़ें, ये छोटे छोटे पल्स, पल्स कह रही हूँ उन्हें, बीट्स हैं ये, और ये इस तरह से ओपन होते हैं, इस तरह से ऐसे, और ये बालों में लगते हैं, ये भी मैंने वहीं से ही लिए हैं, ये बॉक्स मैंने उधर से ही लिया है। और ये है मेरे हेयर बैंड्स, और ये भी मैंने वहीं से लिए हैं, ये है मेटल का है, और इसके ऊपर रेड कलर के पर्ल्स लगे हुए हैं, और ये इसका इतना पार्ट हैवी है, बाकी तो वायर के ऊपर ही सारा बना हुआ है, स्प्रिंग वायर की
स्प्रिंग लपेटा हुआ है वायर के ऊपर, एक ये है और इसी तरह का। मैं पहले वायर वाले दिखा दूँ, दूसरे आपको दिखाती हूँ। एक ये है और ये भी वायर में ही है, सिल्वर में, और इसके सिल्वर में फ्लावर बना हुआ है और छोटे ये दो फ्लावर ये बने हुए हैं, और ये भी इसी तरह का ही है वायर में। ये लाइट वेट है और ये हार्ड में, ये भी लाइट वेट है और ये हार्ट में बना हुआ है। अच्छा, इसको आप अगर बालों में ना लगाएं तो अगर आप पीछे, वही बात जाती है आपकी है तरीका कि आप किस तरह लगाएं। अगर आप पीछे बालों को कर्ल दे के ऊपर की तरफ, नीचे कैचर लगा के ऊपर की तरफ कर लेना, तो ऊपर आप इस तरह से रख दें तो आपको लगेगा जैसे आपने बैकग्राउंड लगाया हुआ है बालों में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और ये भी मैंने वहीं से लिया हुआ है, और ये भी वायर का ही है, ये भी मैंने वहीं से लिया हुआ है। ये आप लें तो पहने ना, तो जिस तरह ये वेव्स नज़र आ रहे हैं ना, बाल आपके आगे से ऐसे ही वेवी निकलते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। ये है और ये सिंपल ब्लैक में, ब्राउन में और ये रेड में। ये मैंने उधर से ली है, गखड़ प्लाजा से, वहाँ पे वो औरतें होती हैं ना जिन्हें बास्केट उठाई होती हैं, उनसे ये मैंने लिया हुआ। ये मैंने तभी मैंने इनको अलग किया था क्योंकि ये इनके साथ नहीं लिया हुआ था। ये मेरी चीज़ें हैं और अब मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ जो मैंने कहीं और से ली। ये वाला जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, और ये बहुत खूबसूरत है, ऊपर ये डायमंड का बना हुआ है इस तरह से। एक्चुअली ये बॉक्स ही ऐसा था और इसके अंदर पिन्स ऐसी ही हैं, और ये मैंने ली थी। और यहाँ पे जो डायमंड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ था तो ये मिरर मेरे से टूट गया था। एक्चुअली हम लाहौर जा रहे थे क्योंकि हमारा घर एक लाहौर में भी है, क्योंकि अबू को बिजनेस के लिए जाना पड़ता है तो हम भी साथ चले जाते हैं। तो खैर अबू तो अपने काम पे होते हैं, तो हम लोग मन चले मन होते तफरी करने के लिए। तो ये रास्ते से मैंने परचेज किया था कलर का हार के पास, हम लोग रुके थे तो वहाँ का कट शॉप पेट्रोल पम्प का बहुत खूबसूरत बना हुआ है और है भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वहाँ से मैंने ये बॉक्स लिया था। तो उसके अंदर, क्योंकि कभी हम रात को ट्रेवल करते हैं और कभी दिन को, जिसमें भी मूड बन जाए, तो ये मैंने वहाँ से लिया था। तो मैंने, क्योंकि मुझे शौक है, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो बस मेरे हाथ में ख्वाहिश हो जाती कि मैं कुछ ना कुछ लूँ, तो इस तरह से मैं फिर चीज़ें लेती रहती हूँ। और ये ग्लिटर वाली बॉब पिन्स हैं और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। और ये है मेरे पास, ये फ्लावर बनी हुई है, ये भी वायर की ही हैं, ये हैं। और ये एक्चुअली मेरे यूज़ में ना कहीं पे हेयर आ रहा है। और ये भी इसी तरह के ये ट्विस्ट बने हुए हैं, ये पिन को ही ट्विस्ट हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत से लगते हैं। बैक प्लेन है इसकी, और ये बिल्कुल भी बालों में फंसते नहीं हैं, क्योंकि जब मैं ये लेने लगी तो एक्चुअली मुझे माँ जी ने इस बॉक्स का दिखाया कि ये तुम ले लो, तो मैंने कहा ये फंसेंगी तो नहीं बालों में, तो अम्मी ने कहा नहीं फंसेंगी, ये अच्छी रहेंगी तुम्हारे बालों में, तो मैंने कहा हाँ ये सही है। और ये एक ये है टाइनी बॉब पिन्स हैं, ये भी ट्विस्ट में आती हैं वेवी इस तरह की, बहुत खूबसूरत है। ये एक टिपिकली स्टाइल है इसका, और ये दो मैंने यूज़ की हुई हैं और दो यूज़ करके जाने कहाँ रख दी, आज तक नहीं मिली। और ये मुझे बहुत पसंद है, और ये सिल्वर में है और ये ग्रे में कलर में आ रहा है, ये खूबसूरत सी हैं। ये है पिन, एक्चुअली मैंने पूरा लिया था ना, तो इसी में दो पत्ते ये थे, एक ये था और एक इसके साथ का था। तो ये लगाने में ज़रा होते हैं, तो क्योंकि अगर आप ज़्यादा बाल ले लेना तो ये ख़राब हो जाती हैं, तो वो उसमें मैंने शुरू शुरू में ज़्यादा बाल लेके बनाने की कोशिश की तो कुछ बीच में ख़राब भी हो गई थी। और ये हैं पिन्स इसमें, और ये जो आम पिन्स होती हैं, एक ये भी पत्ता है इसके अंदर ये वाला, और ये जो से लंबी पिन्स हैं ये, और ये पल्स के साथ हैं, बीट्स के साथ, सॉरी पल्स नहीं, बीट्स के साथ है, ये भी बॉब पिन्स हैं। और इस तरह की ये भी पिन्स हैं, और ये क्लिप हैं इस तरह की बने हुए ऐसे, और ये छोटे टाइनी, ये बड़े मज़े के हैं। आपने छोटे छोटे बालों में ट्विस्ट देने हो तो उसके लिए ये बॉब पिन्स बनी हुई है छोटी छोटी, ये भी हैं। और ये पीछे से राउंड में बनी हुई है, ये भी बालों में नहीं चुभन नहीं होती। और एक ये सिल्वर में है, और ये मल्टी नक्स के साथ में, ये इस तरह से पूरा बॉक्स था जो मैंने अभी आपको दिखाया। और कुछ चीज़ें मैंने लाहौर से ली हुई हैं, अब मैं आपको उनके बारे में दिखाती हूँ।
ये मैंने लाहौर से ली है और ये मैंने हैपर स्टोर से ली है। एक्चुअली मैंने दो हैपर स्टोर से ये चीज़ें ली हुई हैं, एक तो ये एम्प्रोर मॉल के पास है और जिसको अक्सर लोग पुड़ियों का मॉल कहते हैं, पता नहीं क्यों एम्प्रोर मॉल को, खैर। और दूसरा जौन सा है मैंने फोर्ट्रेस वहाँ पे है, वहाँ से लिए। और हैपर स्टोर में आपको क्लिप्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो ये सारे मैंने उधर से ही लिए हुए हैं। इसमें ये अब मुझे याद नहीं कौन से कहाँ से लिए, लेकिन ये मैं क्लिप्स आपको दिखाती हूँ, टैनी है। और इनका ये चिता फिर में इसका प्लास्टिक इतना हार्ड है और बहुत अच्छी क्वालिटी में, ये बनाना क्लिप लंबाई में है और ये फ्रोजी में है, अच्छे खूबसूरत डिज़ाइन में है। ये बो बनी हुई है ब्लैक सिंपल में, और ये वाला जो है ये भी पोलका डॉट्स में बना हुआ है और पीछे बीच में छोटा सा क्लिप इन्होंने लगाया हुआ है, ये छोटा सा क्लिप है, बो बनी हुई है। और इस तरह से एक ये है और ये बो भी बहुत खूबसूरत है, और ये ऊपर प्लास्टिक सा कुछ बीच में लगा के ऊपर लेस सी लगाई हुई है, ये भी बहुत हार्ड प्लास्टिक है। इस तरह से ये भी है, ये प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक है, ये भी इस तरह के काफ़ी ज़्यादा मेरे पास हैं। ब्लैक में ज़्यादा लिए हुए क्योंकि ब्लैक में क्योंकि आप आराम से लगा लेते हैं और ब्लैक वैसे भी इन ही रहता है, ब्लैक अभी आउट तो हुआ ही नहीं। और एक ये है स्पेसशिप की तरह बना हुआ, ये फ्लावर में है। एक ये है स्किन और ब्राउन में, और इस तरह के भी इसमें काफ़ी कलर्स हैं, एक येलो स्काई ब्लू ब्लैक, और एक ये भी है इस तरह का, और इसमें एक छोटा पिंक, और इसमें ग्रे, और एक ये है फ्लावर्स सब बना हुआ। एक ये है स्पेसशिप, वो प्लेन थी ना, इस पर स्टोन लगाए हुए हैं, इस तरह से इसमें बना हुआ। और अब मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ। ये इतना भरा हुआ है ना कि मैं आपको एक एक करके दिखाऊं तो फिर मेरा तो ये एक ही व्लॉग बन जाएगा, तो इसलिए मैं अब दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ। ये मैंने लिबर्टी मार्केट से ली है लाहौर में, और लाहौर की लिबर्टी मार्केट इतनी अच्छी है, आपको एक तो सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं वहाँ पे और अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। और माँ जी कहती थी कि मैं तो अक्सर लाहौर जब जाना तो वहाँ से ज़रूर शॉपिंग करती थी कि आपको इतनी अच्छी मैचिंग चप्पल मिल जाती है और इस तरह से चीज़ें, कि माँ जी कहती मैं जाती थी फिर मैं काफ़ी ले आती थी कि पता नहीं दोबारा कब जाना पड़े या कुछ है, तो इसलिए मैंने भी ये लिए। छोटी छोटी कैचर है ये, चुटकी छोटी छोटी सी, और ये मैं लगाती हूँ और ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये सिर्फ छोटे कुटी पाइस का हक नहीं है, ये हमारा भी हक है इन पे, वो टिडियाँ लगा के फिर रही होती हैं और ये छोटी छोटी ग्लिटर की हैं और ये भी खूबसूरत लगती हैं बालों में लगी हुई। और इसका अक्सर कहते हैं कि ग्लिटर वाली ले लो तो ये सही नहीं रहती, ग्लिटर उतर जाता है, तो बहन आप ये भी तो कर सकते हो ना कि ऊपर थोड़ा सा वार्निश लगा के तो ग्लिटर में यूँ फेंक दो और फिर बाद में उसको लगा लो तो आपकी नई चुटकी बन जाएगी, है कि नहीं और दूसरा जौन सा है एक और बॉक्स, ये भी मैंने उधर से ही लिया हुआ है लाहौर से, और इसके अंदर बहुत खूबसूरत खूबसूरत से हैं। एक से पहला ये सामने जो नज़र आ रहा है, ये बटन लगे हुए हैं ना चुटकी, ये भी छोटी सी है कैचर है ये, और ये बटरफ्लाई वाला कैचर है, ये भी बहुत खूबसूरत है, और ये भी ये हार्ड रबर का है ये है। और इसके अंदर ये एप्पल जो बना हुआ है, अब्बू को कहा था मुझे एप्पल फ़ोन दे दे, अब्बू ने एप्पल कैचर ले लिया अब्बू ने कैचर से गुजारा करो बेटा और ये स्टार वाला है, और ये किस तरह का है ये ग्लिटर वाला, यार ये भी इतने ज़्यादा ना ऐसे मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने दो लिए हुए हैं क्योंकि बाल के पास ट्विस्ट करके बंदा लगा लेता है, ये छोटे छोटे से हैं, ये ग्लिटर में है, ये पत्ता बना हुआ है पान का, कहने लगी थी क्योंकि ना लाहौर हम गए ना तो वहाँ पे हमने जद्दी वाले के पान खाए थे, मुझे पान याद आ गया ना, तभी पान निकल गया मुझे, बहुत मज़े का पान होता है उसका भी। ये इसमें काफ़ी सारे हैं और इस तरह से बने हैं, एक ये पिंक में है। और अब मैं आपको दूसरा बॉक्स दिखाती हूँ, ये बॉक्स जौन सा है ये मैंने खुद बनाया है, और इसके अंदर है
ये क्लिप्स हैं और ये भी मैंने वहीं से लिए हैं, लाहौर से, लिबर्टी मार्केट से, और ये छोटे छोटे हैं और ये भी बालों में अच्छे लगते हैं गर्मियों में। और ये मैंने काफ़ी ज़्यादा कलर्स के लिए हुए हैं, पिंक, बेबी पिंक है, चॉकलेट पिंक है, ब्राउन है, और ये बो बनी हुई है, मॉव है, स्काई ब्लू है, और ये टी पिंक है, ये स्किन कलर है, इस तरह के बने हुए हैं और जिनमें से दो हो गए। और मेरा ब्लॉग अब मैं यहाँ पे एंड करूँगी। और अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। हेलो फ्रेंड्स, कर देना लव, पीस, थम्स अप।